हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित केसरी एनसीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस बार नए ऐड हुए सब्जेक्ट सिलेबस में देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्री ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन है, उसके जो हैं टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं और उसके कोई भी क्वेश्चन जो हैं छूटने नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है कि आसान हो, कि आप पहले थोड़ा सा यदि पढ़े हो तो फायदेमंद है। यदि आप वापस से तैयारी कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिलेबस में आपको सिर्फ यही एक जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो आपको नया सा लग रहा होगा, तो आपको कोशिश करोगे कि आप इसमें अच्छा स्कोर करो। तो दोस्तों, मैंने इसकी एक वीडियो पहले ही बना के रखी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से हिंदी में समझाया है डिटेल में। इस वीडियो में हम थोड़ा इंग्लिश में लेते हैं लेकिन मैं हिंदी में समझाता जाऊंगा दोस्तों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप इन दोनों वीडियोस को देखते हो तो आपको ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं बचेगा उसके अंदर सब्जेक्ट सिलेबस में कि जो आपका कोई मिस हो जाए, और चांस है कि दोस्तों आपके कई सारे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे एनसीएल के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इंजेक्टेड बाई, दोस्तों पूछ रहा है कि डीजल इंजन में फ्यूल किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जो फ्यूल डीजल इंजन फ्यूल जो है वो हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेशन एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम कंबसन चेम्बर। दोस्तों, पेट्रोल इंजन में तो स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट होता है, और फ्यूल इंजेक्टर द्वारा जो कि ऑप्शन बी है उसको द्वारा डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए कि इंजन में जो आग लगती है वो किस कारण से लगती है, तो वो जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है दोस्तों, सॉरी, डीजल इंजन में सिर्फ एयर होता है तो जो कि कंप्रेस होके उसमें हल्की सी जो है फ्यूल का छिड़काव किया जाता है जो कि फ्यूल इंजेक्टर करता है, उसके कारण जो है आग लगती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेशन एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम द कंबशन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज, तो दोस्तों कंप्रेशन रेशियो आईसी इंजन का क्या होता है, तो ये आप ये याद रख लेना कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्रेशन रेशियो। तो बोल रहा है जो वॉल्यूम का रेशियो होता है बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन, वही आपका जो होता है कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, अ कार्बोरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई, दोस्तों पूछ रहा है कि कार्बोरेटर का यूज क्या होता है, वो क्या सा यूज क्या करता है, सप्लाई क्या करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे सी लिख दिया है, पेट्रोल एंड एयर। तो दोस्तों पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होता है उस वो कार्बोरेटर तो जो है सप्लाई करता है। हम आंसर दिखा देते हैं आपको, जो पेट्रोल और एयर है उसका सप्लाई जो है कार्बोरेटर करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ डीजल इंजन हैज़, तो दोस्तों पूछ रहा है कि डीजल इंजन में क्या होता है। ये आपका इंजन का ही थोड़ा फोटो इसमें बना हुआ है, तो बताइए डीजल इंजन में कितने वॉल्व होते हैं, इसके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डीजल इंजन में जो है वो तीन वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो आपका आंसर होगा। सो थ्री वॉल्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ़ पेट्रोल इज यूज्ड इन अ डीजल इंजन देन, दोस्तों ये पूछ रहा है कि पेट्रोल इंजन में यदि हम पेट्रोल की जगह पे डीजल डाल दें तो क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि कोई गलत सब्सटेंस आ जाता है, कोई गलत पदार्थ आ जाता है, मटेरियल आ जाती है, तो उसके अंदर खटखटाहट और कई सारी आवाज़ें आने लगती हैं और थोड़ा जो है रफ़ हो जाती है प्रोसेस, तो उसे नॉकिंग बोलते हैं। वही प्रॉब्लम जो है आने लगती है जब यदि हम पेट्रोल की जगह पे डीजल डाल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका, हायर नॉकिंग विल ऑकर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आईसी इंजन से रिलेटेड हैं, इसलिए ये जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो है आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आसानी से पूछ सकता है इस एग्ज़ाम में। एनसीएल तो बना ही है इस बार के सिलेबस के हिसाब से कि वो आपका जो है पूछेगा इस बार, तो ध्यान रखिएगा कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ पेट्रोल इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो, तो दोस्तों बताइए कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 6 से 10 जो है वो पेट्रोल इंजन का रेशियो होता है। पेट्रोल इंजन का रेशियो का मतलब पूछ रहा है दोस्तों, तो अगर यदि आपको जानना है कि पेट्रोल इंजन का रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल की कितनी मात्रा होनी चाहिए और एयर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये रेशियो जो है वो बोला है कंप्रेशन रेशियो, ठीक है दोस्तों, बिफोर इग्निशन और आफ्टर इग्निशन।
द थर्मल इफिशियंसी ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन इज अ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। दोस्तों पूछ रहा है कि थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है टू स्ट्रोक की और फोर स्ट्रोक की। टू स्ट्रोक की कितनी होती है फोर स्ट्रोक की तुलना में, तो बताइए दोस्तों टू स्ट्रोक की क्या फोर स्ट्रोक के बराबर होती है, या टू स्ट्रोक की फोर स्ट्रोक से कम होती है, टू स्ट्रोक की फोर स्ट्रोक से ज़्यादा होती है, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा टू स्ट्रोक की जो है फोर स्ट्रोक से कम होती है, क्योंकि टू स्ट्रोक जो है पहले जो गाड़ी आती थी बाइक आती थी उसमें टू स्ट्रोक यूज होता था, अब की जो गाड़ी है फोर स्ट्रोक होने लगी हैं, इसलिए इनका जो है एफिशिएंसी वगैरह सब अच्छी होती है। यदि बात की जाए सुपर चार्जिंग की, तो सुपर चार्जिंग द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। तो दोस्तों मैंने सुपर चार्जिंग के बारे में डिटेल में पहली वीडियो में बताया है, यदि आप उसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो पहली वीडियो देखो, उसमें अच्छा समझ में आएगा। और मैंने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में भी थोड़ा डिटेल दिया है अच्छे से, तो आपको देखते ही ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि आखिर पेट्रोल इंजन है क्या, कैसे यूज होता है, क्या क्या उसमें लगता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और इस सब के बारे में जो है पहली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं आसानी से और समझ में आ जाएगा काफ़ी चीज़ें आपको। तो सुपर चार्जिंग द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन, तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो सुपर चार्जिंग के कारण जो पावर डेवलप होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो पावर होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सुपर चार्जिंग प्रोसेस के बारे में मैंने अच्छा डिटेल दिया, तो आप देखिएगा उसमें पावर जो है ये डेवलप कर देता है। यदि दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखे जाएं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो ये रहे अ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन गिव्स द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स एज कम्पेयर्ड टू द फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन एट द सेम इंजन स्पीड। तो दोस्तों ये बता रहा है कि टू स्ट्रोक जो साइकिल इंजन है वो फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में क्या डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड कराता है, बताइए दोस्तों आप। दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपका है डबल, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका डबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ फोर स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कम्प्लीटेड इन, दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है वो कितनी रिवॉल्यूशन होती है, मतलब कितनी बार वो घूमती है ये बता रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट जब दो बार रिवॉल्यूट हो जाती है मतलब घूम लेती है, तो जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हों सब कवर कर लिए जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, दोस्तों बता पूछ रहा है कि सुपर चार्जिंग प्रोसेस कौन सी है। यदि आप इससे लास्ट वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो सुपर चार्जिंग के बारे में आप जान जाएंगे और ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। दोस्तों सुपर चार्जिंग के बारे में ये कहा गया है कि सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमोसफियर, ये सुपर चार्जिंग का काम होता है। दोस्तों द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, दोस्तों पूछ रहा है कैलोरीफिक वैल्यू की जो इकाई होती है या मतलब यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट इसकी दोस्तों क्या होती है, इसकी यूनिट किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यूनिट्स भी पूछते हैं जनरली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द थर्मोडायनेमिक साइकिल इज इन विच पेट्रोल इंजन वर्क्स इज, तो दोस्तों जो पेट्रोल वर्क होती है, पेट्रोल इंजन जो होती है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करती है, और जो डीजल इंजन होती है दोस्तों रैंकाइन साइकिल पर वर्क करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक ड्यूअल साइकिल भी होती है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट विद स्पार्क इग्निशन इंजन, दोस्तों स्पार्क इग्निशन जनरली जो होता है वो स्पार्क प्लग के कारण होता है जिसमें पेट्रोल इंजन में यूज होता है। यदि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट, पूछ रहा है कि स्पार्क इग्निशन से रिलेटेड इंजन में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर जो है वो आपके डीजल इंजन में होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे जो है जो स्पार्क इग्नाइट होता है वो कंप्रेशन के थ्रू होता है, यहाँ पे हमें जो स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डीजल इंजन से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती है। द पावर डेवलप्ड बाई द इंजन सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन इज नोन एज, तो दोस्तों जो पावर डेवलप होती है आईसी इंजन में उसको किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा कि उसे ब्रेक पावर बोलते हैं। ब्रेक पावर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन, वह पावर जो इंजन द्वारा इंजन सिलेंडर में डेवलप होती है उसे बोलते हैं ब्रेक पावर।
दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद मैं बचे हुए टॉपिक्स जैसे ब्रेक और उससे उसके बाद कुछ टॉपिक्स को लेके आगे वीडियोस बनाता रहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन इज, दोस्तों थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है पेट्रोल इंजन की, तो ध्यान रखिएगा 30% जो होती है वो थर्मल इफिशियंसी होती है पेट्रोल इंजन की। द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ अ वेल डिजाइंड इंजन में भी, तो पूछ रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कितनी हो सकती है एक अच्छी तरह से डिजाइन हुए इंजन की। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक अच्छी तरह से यदि इंजन डिजाइन है तो उसकी 75-90% तक की इफिशियंसी हो सकती है। द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज डॉट डॉट द इंडिकेटेड पावर, दोस्तों पूछ रहा है कि ब्रेक पावर जो इंजन की होती है वो क्या होती है, तो इंडिकेटेड पावर के सामने, तो ब्रेक पावर जो है इंडिकेटेड पावर की तुलना में कम होती है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इज कॉल्ड, तो रेशियो क्या होती है दोस्तों, इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड इफिशियंसी, इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं रिलेटिव इफिशियंसी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इफ द स्पीड ऑफ द इंजन इज इंक्रीज्ड द इंडिकेटेड पावर विल, दोस्तों पूछ रहा है कि यदि इंजन की स्पीड को हम बढ़ा दें तो उसकी जो इंडिकेटेड पावर है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यदि स्पीड बढ़ा दी जाए इंजन की तो उसका जो इंडिकेटेड पावर होगा वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन ब्रेक के भी करते हैं। दोस्तों ब्रेक जो है इंपॉर्टेंट टर्म है आपका इस सिलेबस में, जो कि एलिमेंट्री ऑफ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है। तो चलिए ब्रेक के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों मैंने आंसर्स में ब्लैक जो है डार्क ब्लैक कर दिया है, तो आप आसानी से उसको रीड कर सकते हैं, स्पीड से देख सकते हैं। ब्रेक इज यूज्ड टू द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ मूविंग सिस्टम और मैकेनिज्म बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, तो दोस्तों जो ब्रेक होता है वो जो है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, जिसके कारण वो जो है मैकेनिज्म के कारण, और वो फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, घर्षण उत्पन्न करता है, और वो जो है गाड़ी आपकी रुक जाती है। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक इज, तो दोस्तों ब्रेक द्वारा एनर्जी, कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, दोस्तों ब्रेक के द्वारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एब्जॉर्ब की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इन होइस्ट एंड एलिवेटर द ब्रेक एब्जॉर्ब्स द, तो दोस्तों ये पूछ रहा है होस्ट और एलिवेटर में ब्रेक क्या एब्जॉर्ब करता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या दोनों, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि होस्ट एंड एलिवेटर में ब्रेक जो है पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। चलिए ब्रेक की श्रेणी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक इज कन्वर्टेड इनटू, तो जो दोस्तों जो ब्रेक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो उसे हमेशा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों आपने एनालाइज किया होगा, जब भी आप कहीं पे हाथ रबर सरकाते हैं या कहीं कभी ब्रेक मारते हैं तो वहाँ पे जो है घर्षण के कारण हीट उत्पन्न हो जाती है, इसी को अब बता रहा है कि द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मैकेनिकल ब्रेक्स आर ऑपरेटेड बाय, तो दोस्तों पूछ रहा है मैकेनिकल जो ब्रेक्स होते हैं वो किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं, तो दोस्तों ये बोल रहा है कि लीवर्स, स्प्रिंग, पेडल्स, तो जो मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं वो इन तीनों में से कोई भी आप जो है यूज कर सकते हैं। जनरली लीवर्स भी यूज करते हैं, स्प्रिंग भी यूज करते हैं, और पेडल्स के द्वारा भी जो है ब्रेक्स वगैरह लगाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपांडिंग शू ब्रेक्स आर, तो दोस्तों बता रहा है कि इंटरनल जो एक्सपांडिंग ब्रेक्स हैं, शू ब्रेक्स हैं, वो रेडियल ब्रेक्स हैं। रेडियल ब्रेक्स की श्रेणी में आते हैं, कई टाइप्स के ब्रेक्स भी हैं जिसको आप देख सकते हैं, उसमें से रेडियल ब्रेक्स और एक्सियल ब्रेक्स भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल ब्रेक, इनमें से कौन सा ब्रेक है जो इलेक्ट्रिकल ब्रेक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स के टाइप्स ही हैं तीनों जो ऊपर दिए हुए हैं, मैग्नेटिक, पार्टिकल ब्रेक, हिस्टेरिसिस ब्रेक, एडी करंट ब्रेक। ऑल ऑफ द अबव, तो दोस्तों ये जानते हैं आपकी तीनों ही ऊपर के जो ऑप्शन हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रेक की श्रेणी में आते हैं।
तो दोस्तों यदि कोई पूछ ले कि ब्रेक कैपेसिटी डिपेंड किस पे करती है, तो अगला क्वेश्चन उसी से है कि ब्रेक कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, तो जो ब्रेक कैपेसिटी होती है ऊपर के तीनों दिए हुए पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, द यूनिट प्रेशर बिटवीन ब्रेकिंग सरफेस, द कॉन्टैक्टिंग एरिया ऑफ ब्रेकिंग सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे जो है ब्रेक डिपेंड करता है, ब्रेकिंग डिपेंड कैपेसिटी डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रेकिंग टॉर्क डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों ब्रेकिंग टॉर्क की यदि बात की जाए तो वो तीन चीज़ों जैसे द मास ऑफ द सिस्टम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द विश सिस्टम, तो इन तीनों चीज़ों पे है जो है ब्रेक ब्रेकिंग टॉर्क डिपेंड करती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ब्रेक के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इससे बाहर आने के मेरे को नहीं लगता कि दोस्तों इससे बाहर आएगा कोई, क्योंकि ब्रेक्स में कुछ ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं, विच टाइप्स ऑफ ब्रेक इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन रेलवे ट्रेन्स। तो दोस्तों पूछ रहा है कि ट्रेन्स वगैरह में कौन से ब्रेक यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हम जो है NCL की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कोल से डिपेंड है, और जो कि ट्रेन से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ब्लॉक और ब्लॉक ब्रेक है, ये जो नीचे के दिए ऑप्शन है वो सारे टाइप्स हैं ब्रेक्स के, जिसमें से ब्लॉक ब्रेक एक है, जो है एक टाइप है जो है कॉमनली यूज किया जाता है रेलवे ट्रेन्स में। तो ये जो ब्लॉक ब्रेक है वो अपना सही आंसर है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक एंड ब्रेक ड्रम इज यूनिफॉर्म, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड ब्रेक ड्रम इज लेस देन। तो दोस्तों उनके बीच में जो एंगल कितना बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। फॉर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ ब्रेक ड्रम इन ब्लॉक ब्रेक, द एक्चुएटिंग फोर्स और ब्रेकिंग इफेक्ट इज एफर्ट इज। तो दोस्तों जो ब्रेकिंग एफर्ट होती है वो मोर देन होती है दैट ऑफ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन की तुलना में जो है एंटी क्लॉक वाइज फोर्स है वो ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ब्लॉक ब्रेक विद लॉन्ग शू द सेमी ब्लॉक एंगल इज थीटा डिग्री। दोस्तों कभी बार पूछेगा कि 2 थीटा लेते हैं कि थीटा लेते हैं, थीटा बाई 2 लेते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ब्लॉक ब्रेक है विद लॉन्ग शू, ध्यान रखिए विद लॉन्ग शू द सेमी ब्लॉक एंगल इज थीटा डिग्री। दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लॉक ब्रेक पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप जो है ट्रेन में जो यूज होती है ब्रेक उसको अच्छे से ध्यान रखें, और बाकी के भी जो ब्रेक्स के टाइप्स हैं उनको भी थोड़े थोड़े उनके क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, द ब्रेक ड्रम इज मेड ऑफ। तो दोस्तों ब्रेक ड्रम जो होता है ये टाइप है ब्रेक का, और ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जनरली इसके तीनों जो हैं कास्ट आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम, इन तीनों के ही जो हैं ब्रेक ड्रम बनाए जाते हैं। इन ब्लॉक ब्रेक विद लॉन्ग शू, ठीक है दोस्तों, इन ब्लॉक ब्रेक विद लॉन्ग शू इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो इसको किस फार्मूले से दिया जाता है, तो आप जब ब्लॉक ब्रेक के बारे में पढ़ोगे दोस्तों तो आपका जो डेरिवेशन आता है उसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो म्यू कोष्टक 4 sin θ डिवाइड बाई 2θ प्लस sin 2θ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2θ जो होता है ब्लॉक एंगल होता है, म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं, इन केस ऑफ द पाइवोटेड शू ब्रेक द लोकेशन ऑफ द पाइवोटेड कैन बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अबाउट द पाइवोटेड इज, कितना होता है फोर्स दोस्तों, तो जो फोर्स होता है वो 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं, इन ब्रेक्स द वियर ऑकर्स ऑन द, तो जो ब्रेक्स में जो वियर मतलब घर्षण मतलब घिसना आप बोल सकते हैं, वियर और टियर का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई चीज़ हम घसते हैं तो उसके जो क्षय होने की प्रक्रिया होती है वो वियर टियर कहलाती है। तो पूछ रहा है कि द ब्रेक्स द इन अ ब्रेक्स द वियर ऑकर्स ऑन द फ्रिक्शन लाइनिंग, तो दोस्तों जहाँ भी फ्रिक्शन होती है वहाँ पे एक लाइन टाइप की बन जाती है, वही लाइन जो है पूरी तरह से घसती जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन लाइन। तो जो ये ऑकर होती है वो ब्रेक लाइन में होती है। पाइवोटेड शू ब्रेक्स आर मेनली यूज्ड इन, दोस्तों पूछ रहा है कि पाइवोटेड शू ब्रेक होते हैं ये टाइप जो है वो कहाँ पे जनरली यूज होता है, तो बता रहा है कि ये जो है हॉइस्ट एंड क्रेन्स में ये यूज होता है। इन इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक द एक्चुएटिंग फोर्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय मींस ऑफ, दोस्तों ये जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड द सेकेंड वन अ
कैम मैकेनिज्म, इन दोनों ही चीज़ों में इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक द एक्चुएटिंग फोर्स इज यूजली प्रोवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक इज मेनली यूज इन, तो दोस्तों इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक जो है वो आपका व्हीकल में भी यूज होता है, कन्वेयर में भी यूज होता है, हॉइस्ट में भी यूज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो चौथा आपका जो है ऑल ऑफ द अबव ये सही आंसर है। इन बैंड ब्रेक ये भी एक टाइप है, द रेशियो ऑफ बैंड टेंशन दैट मीन्स P1 डिवाइड बाई P2 इज गिवन बाई किसके द्वारा दिया जाता है, E μ थीटा के द्वारा। बैंड ब्रेक्स आर यूज इन, दोस्तों बैंड ब्रेक की यदि बात की जाए तो बैंड ब्रेक जो है बकेट, कन्वेयर, हॉइस्ट, चेन, शेव्स, इन तीनों ही चीज़ों में जो है यूज होता है। फॉलोइंग ब्रेक्स कैन नेवर बिकम सेल्फ लॉकिंग, तो इनमें से कौन सा ब्रेक जो है कभी भी सेल्फ लॉकिंग मतलब खुद से ही जो लॉक नहीं होता है उसे बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग, कौन सा ब्रेक नहीं हो सकता, तो जो डिस्क ब्रेक होता है वो सेल्फ लॉकिंग कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ शेप्स फॉर द पैड्स ऑफ कैलिपर डिस्क ब्रेक्स, तो जो आपका एनुलर और सर्कुलर है वो दोनों ही टाइप्स हैं ऑफ शेप ऑफ द पैड्स एंड द कैलिपर डिस्क ब्रेक, ये जो हैं पैड्स और शेप हैं पैड्स और कैलिपर डिस्क ब्रेक के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द टॉर्क कैपेसिटी MT ऑफ डिस्क ब्रेक इज गिवन बाई, तो ये जो टॉर्क कैपेसिटी को जो है हम डिनोट करते हैं μPRF से, ध्यान रखिएगा ये एक डेरिवेशन है जो अंत में इसका टॉर्क कैपेसिटी आता है μPRF, यहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पी एक्चुएटिंग फोर्स, आरएफ जो होता है वो फ्रिक्शन रेडियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोस्तों जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात म्यू जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। तो चलिए दोस्तों इसी कड़ी में हम 15 क्वेश्चंस ब्रेक्स के और देख लेते हैं, इसके बाद आपके ब्रेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं रह जाते हैं। यदि कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि इससे भी बाहर आ सकते हैं तो वो NCL में नहीं आने वाले, क्योंकि NCL में जो है आपका बेसिक ही जनरली पूछने वाला है। तो उम्मीद है कि बेसिक्स में जितने भी पूछेगा वो हम इस बार इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चंस और। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ मूविंग व्हीकल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, जब भी हम ब्रेक पैडल पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो हमने कुछ देर पहले ही देखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल इज डिपेंड ऑन, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी फोर्स जो है आपके वेट पे डिपेंड करता है, व्हीकल का वेट कितना है, और जो है एसिलेशन मतलब त्वरण के विपरीत जो क्रिया होती है डीएसिलेशन, उस पर डीएसिलेशन रेट पे डिपेंड करती है। तो आपका आंसर जो ए और बी जो है दोनों ही सही है, मतलब आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लिया ऑप्शन सी लिखा है आंसर, मैंने आंसर भी नीचे भी लिख दिया है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्रम ब्रेक, इनमें से कौन सा ब्रेक है जो ड्रम ब्रेक नहीं है, दोस्तों डिस्क ब्रेक ही एक ऐसा है जो ड्रम ब्रेक नहीं है, अदरवाइज जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक, इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक और जो ऑल ऑफ मतलब अबव है, इनमें से ये ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि जो डिस्क ब्रेक है वो आपका जो है ड्रम ब्रेक नहीं है। तो इसका आंसर जो हुआ वो सी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हैंड ब्रेक ऑफ द ऑटोमोबाइल इज़ यूजुअली, जो दोस्तों ये बात कर रहा है कि जो हैंड ब्रेक होती है वो आपका जनरली क्या होता है, तो यहाँ आंसर देख लेते हैं हम एक बार। ए मतलब अर्थात जो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक है वो जो है हैंड ब्रेक के रूप में जनरली यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इन अ डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच्ड टू, दोस्तों बताइए कि डिस्क ब्रेक में डिस्क किससे अटैच होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि डिस्क ब्रेक में जो डिस्क है वो आपका एक्सल से अटैच होता है। देख लीजिए आंसर बी है, डिस्क जो है एक्सल से अटैच होता है ताकि वो जो है व्हील्स को ग्रैब कर ले। चलिए अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिकल ब्रेक्स आर ऑपरेटेड बाई मीन्स ऑफ, तो मैकेनिकल ब्रेक्स हैं दोस्तों वो लीवर, बेल क्रैंक, कैम्स, ऑल ऑफ एबव, तो दोस्तों इनमें से जो तीनों हैं वो तीनों यूज कर सकते हैं, मतलब लीवर, बेल क्रैंक और कैम्स तीनों में से ही यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन वैक्यूम ब्रेक सिलेंडर चैम्बर कंसिस्ट ऑफ, तो जो वैक्यूम ब्रेक में जो सिलेंडर होती है वो किससे कंसिस्ट होती है दोस्तों, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक वॉल्व है और जो
वैक्यूम वाल्व है, दोनों से ही कंसिस्ट होती है आपकी वैक्यूम ब्रेक। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक है वो आपका जो है पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, आंसर नहीं दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो आपका पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ कहता है कि यदि किसी लिक्विड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाया जाए तो उसी लिक्विड के सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में सभी जगह जो है प्रेशर सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ मैटर सिलेंडर इन हाइड्रोलिक ब्रेक इज टू, पूछ रहा है फंक्शन क्या होता है ऑफ मास्टर सिलेंडर, सॉरी मैटर नहीं, द फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज टू। तो फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, हम आप आंसर दिखा देते हैं कि जो आपका तीनों ऑप्शन जो है बिल्ड्स अप हाइड्रोलिक प्रेशर टू ऑपरेट द ब्रेक्स, मेंटेन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूड इन द सिस्टम, सर्व्स एज अ पंप टू फोर्स एयर आउट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। जो तीन ही ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंडम मास्टर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ, दोस्तों पूछ रहा है टेंडम मास्टर सिलेंडर जो होता है उसमें क्या लगा होता है, कितने सिलेंडर लगे होते हैं। तो दोस्तों यह टू सिलेंडर एंड टू रिजर्वायर, टेंडम मास्टर सिलेंडर में दो सिलेंडर होते हैं और उसी तरह दो रिजर्वायर भी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हैंड ब्रेक इज़ अप्लाइड टू, हैंड ब्रेक किस पे अप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो हैंड ब्रेक जो है आपका सिर्फ रियल व्हील पे अप्लाई करते हैं। हैंड ब्रेक जनरली तब यूज करते हैं दोस्तों जब हम कहीं भी गाड़ी रोक लेते हैं और हमें चाहिए कि गाड़ी जो है अपने से आगे या पीछे न बढ़ जाए, उसके लिए हम जो है हैंड ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और वह जो गाड़ी है एक जगह स्थिर रहती है। चलिए अगला देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेक, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेक के इफेक्टिवनेस पे कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों जो आपको आंसर डी है अर्थात ऑल ऑफ है वो, मतलब एरिया ऑफ ब्रेक लाइन ये भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कार व्हील ये भी डिपेंड करता है, और अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू शू ब्रेक ये भी, ये तीनों जो ऑप्शन हैं अप्लाई करते हैं, मतलब आपका ऑप्शन जो फोर है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वो एक्शन इज टू, दोस्तों पूछ रहा है सर्वो एक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका सर्वो एक्शन होता है वो द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स होती है, सर्वो एक्शन को ही एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स बोलते हैं। द पावर ब्रेक मे बी एक्सर्टेड बाई, जो पावर ब्रेक होती है वो किसको द्वारा एक्सर्ट की जा सकती है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके द्वारा एक्सर्ट की जाती है पावर ब्रेक, ध्यान रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द ब्रेक सिस्टम इज नोन एज, दोस्तों ये पूछ रहा है कि प्रोसेस क्या होती है जिसमें हम एयर रिमूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द ब्रेक सिस्टम, ब्रेक सिस्टम से एयर को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वो जो आपकी ब्लीडिंग है वो कहलाती है। दोस्तों एयर रिमूव करना ऐसा होता है कि जो ब्रेक लाइन में जो हमारा फ्लूड भरा होता है जिसके कारण हम एक जगह से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दूसरी जगह लगता है, तो वहाँ पे फ्लूड अर्थात जो ऑयल वगैरह यूज करते हैं हम, उसमें यदि एयर बन जाती है, एयर के बबल्स आ जाते हैं, तो ब्रेक जो है अच्छे से नहीं लगता है, वो रुक रुक के लगता है। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है उसमें से एयर को निकाल दें, तो एयर को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लीडिंग कहलाती है। दोस्तों एनसीएल के सिलेबस की कड़ी में हम आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ कूलिंग, दोस्तों एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें सिस्टम ऑफ कूलिंग से कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जो हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांस है आने के, वो हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग कम्बसन इन द इंजन टेम्परेचर इन द सिलेंडर रेजेज अप टू, तो दोस्तों पूछ रहा है कि जब कम्बसन की प्रोसेस होती है इंजन में तो टेम्परेचर कितना बढ़ता है, तो आंसर जो है आपका सी है जो कि 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंटरनल कम्बसन इंजन अर्थात ऐसी इंजन में अबाउट ऑफ द लेटेंट हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कम्बसन पासेस थ्रू द सिलेंडर वॉल इनटू द कूलिंग सिस्टम, तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो कम्बसन इंजन में है वो लेटेंट हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कम्बसन, तो लेटेंट हीट जो है कितनी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कम्बसन, कितनी परसेंट लेटेंट हीट प्रोड्यूस होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा तो कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर वॉल इनटू द कूलिंग सिस्टम में 20% जो होती है लेटेंट हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मोटरसाइकिल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड,
दोस्तों यदि पूछ लिया कि मोटरसाइकिल में कौन सी कूलिंग सिस्टम यूज होती है, तो एयर कूलिंग सिस्टम जो है मोटरसाइकिल में यूज होती है। मोटरसाइकिलों में जो है एयर कूलिंग सिस्टम यूज होती है। इन वाटर कूलिंग द वाटर इन द जैकेट्स ऑब्टेन्स हीट फ्रॉम द सिलेंडर ड्यू टू, तो किसके द्वारा जो है ऑब्टेन करता है हीट, तो दोस्तों कंडक्शन के द्वारा जो है वाटर इन द जैकेट ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से जो है हीट ऑब्टेन करता है पाता है। द थर्मोस्टेटिक वॉल्व्स ओपन एंड प्रोवाइड्स पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द रेडिएटर एट अप्रॉक्सीमेटली, तो दोस्तों कितना अप्रॉक्सीमेटली जो है फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द रेडिएटर होता है, तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन द थर्मोसिम्फोन सिस्टम देर इज आर, दोस्तों नो पम्प, जो थर्मोसिम्फोन सिस्टम होती है उसमें पम्प नहीं होता है। इन वाटर कूलिंग सिस्टम विद पम्प सर्कुलेशन सिस्टम द फॉलोइंग पम्प इज यूज, तो कौन सी पम्प यूज होती है दोस्तों सर्कुलेशन के लिए, तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पम्प जो है इन वाटर कूलिंग सिस्टम विद पम्प सर्कुलेशन सिस्टम, तो सेंट्रीफ्यूगल पम्प जो होती है यूज होती है। द रेडिएटर इज यूजली मेड ऑफ, दोस्तों रेडिएटर किसका बना होता है, तो कॉपर का बना होता है, ध्यान रखिएगा। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोर ऑफ अ रेडिएटर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एयर सेल्स विच आर सराउंडेड बाई वाटर, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपका होनी कॉम जो है वो आपका आंसर होगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन डॉट डॉट रेडिएटर ईच ट्यूब कंटेन्स इंडिविजुअल फाइंस सराउंडिंग इट, तो गिल्ड टाइप्स ऑफ रेडिएटर में दोस्तों जो है इंडिविजुअल फाइंस सराउंडिंग जो होते हैं, इंडिविजुअल फाइंस जो होते हैं चारों ओर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूज़ ऑफ प्रेशर कैप, दोस्तों जो प्रेशर कैप का जो यूज होता है ऑन द रेडिएटर इंक्रीज एयर प्रेशर, तो दोस्तों जो एयर प्रेशर जो है बढ़ा देता है विद इन द कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम के दौरान जो प्रेशर कैप होता है वो आपकी जो रेडिएटर की कूलिंग सिस्टम को बढ़ा देता है, ध्यान रखिएगा। द कूलिंग फैन इज़, दोस्तों कूलिंग फैन जो है वो आपका फिटेड बिटवीन द इंजन एंड द रेडिएटर ड्राइवन बाई बेल्ट एंड पुली ड्राइवन फ्रॉम द कैमशाफ्ट, तो ये जो तीनों ऑप्शन है आपका सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। द वेरिएबल स्पीड फैन ड्राइव यूज अ, तो दोस्तों जो वेरिएबल स्पीड फैन ड्राइव होती है यूजेज अ, कौन सा क्या यूज करता है, तो वो आपका फ्लूड कपलिंग यूज करता है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ थर्मोस्टेटिक वॉल्व इज फिटेड विद लिक्विड सच एज एसीटोन और एल्कोहल, तो बेलोज टाइप के जो है थर्मोस्टेटिक वॉल्व इज फिटेड, तो बेलोज टाइप के जो है थर्मोस्टेटिक वॉल्व जो होते हैं फिट होते हैं फील्ड होते हैं विद लिक्विड सच एज एसीटोन और एल्कोहल, एसीटोन या एल्कोहल जैसे लिक्विड से भरे होते हैं फील्ड होते हैं। द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेस्ट एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, तो इनमें से कौन सा जो है बेस्ट एंटी फ्रीज, मतलब जो फ्रीज नहीं होते एंटी फ्रीज के रूप में किसको यूज करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा एथिलीन ग्लाइकॉल को जो है हम बेस्ट एंटी फ्रीजर के सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के जो है क्वेश्चंस को देखते रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रहिए हमारे वीडियोस को। दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम भी जो है वो हमारे NCL के जो इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। लीफ स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक बाई, तो दोस्तों लीफ स्प्रिंग जो है जनरली ट्रक्स वगैरह में यूज किया जाता है, तो ये जो क्या एब्जॉर्ब करता है बाई बेंडिंग, तो जब ये बेंड होता है तो लीफ स्प्रिंग जो है बेंड को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉइल स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक बाई, दोस्तों जो कॉइल स्प्रिंग होता है वो शॉक किसके द्वारा कंप्रेशन के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग, इनमें से कौन सा है जो लीफ स्प्रिंग का टाइप है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो ऊपर के तीनों ABC ऑप्शन है, मतलब थ्री क्वार्टर इलिप्टिक सेमी इलिप्टिक
क्वार्टर इलिप्टिक, ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो हैं लीफ स्प्रिंग के टाइप्स हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉर्सन बार, दोस्तों कौन सा मटेरियल यूज होता है टॉर्सन बार के लिए? तो स्टील मटेरियल जो है टॉर्सन बार बनाने के लिए यूज होता है। शैकलेस आर शॉर्ट ऑफ, दोस्तों शैकलेस जो होता है किसका शॉर्ट ऑफ होता है? लिंक का बना होता है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। स्प्रिंग शैकल्स आर यूज टू ज्वाइन, दोस्तों स्प्रिंग शैकल का यूज क्यों, क्या जोड़ने के लिए होता है? तो जो चेसिस फ्रेम एंड स्प्रिंग जोड़ने के लिए यूज होता है। दोस्तों चेसिस फ्रेम जो होता है वो आपके गाड़ी का एक ढांचे को बोलते हैं, और जो स्प्रिंग होता है उसको आपस में जोड़ता है ताकि जो है गाड़ी स्प्रिंग के संपर्क में रहे और उछाल या कहीं पे जंप जर्क वगैरह है तो उसको बियर कर ले। ड्राइव एक्सल, दोस्तों ड्राइव लाइव एक्सल जो है वो आपका है तीनों ही है, मतलब आर सिंपली बिकम बीएम सॉरी आर सिंपली बीम्स विच सपोर्ट्स द व्हीकल वेट, तो ये व्हीकल के वेट को भी सपोर्ट करता है। ड्राइव एक्सल आर यूजुअली द फ्रंट एक्सल, तो ड्राइव एक्सल जो होता है दोस्तों वो फ्रंट एक्सल को भी आर यूजुअली द फ्रंट एक्सल फ्रंट एक्सल को भी बोलते हैं, फ्रंट एक्सल में यूज करते हैं। कंटेंस डिफरेंशियल, दोस्तों जो ड्राइव एक्सल होता है एक्सल होता है वो डिफरेंशियल के तौर पे भी यूज करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर सिंपली बीम विच सपोर्ट्स द व्हीकल वेट, तो इनमें से कौन सा, दोस्तों सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो डेड एक्सल के बारे में पूछ रहा है, तो डेड एक्सल क्या होता है? डेड एक्सल जो होता है वो सिंपली बीम, तो एक सिंपली बीम होता है विच सपोर्ट्स द व्हीकल वेट, तो जो डेड एक्सल होता है वो जो है गाड़ी के वेट को जो है सपोर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर, ये जो नीचे के चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक करेक्ट स्पेसिफिकेशन है टायर को रिप्रेजेंट करने का? जो पहला ऑप्शन है 155/80R13, ये जो है स्पेसिफिकेशन है टायर को रिप्रेजेंट करने का। जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो टायर मांगने की ये एक कोड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में कितने चैम्बर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि दो चैम्बर होते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में। दोस्तों इसी तरह कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आसानी से आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। कैम एक्चुएटेड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर कंटेंस, कितने होते हैं दोस्तों पिस्टन? तो उसमें जो है डबल पिस्टन होता है, ध्यान रखिएगा। द स्टेबलाइजर आर, तो इनमें से स्टेबलाइजर क्या होता है दोस्तों? चारों ही होते हैं, एलॉय स्टील बार के भी होते हैं। यूज टू कंटेन कनेक्ट शॉक एब्जॉर्बर ऑपरेटिंग आर्म्स, तो ऑपरेटिंग आर्म्स के को भी कनेक्ट करते हैं। प्लेस्ड पैरेलल टू क्रॉस मेंबर, तो क्रॉस मेंबर के जो है पैरेलल मतलब समांतर में जो होते हैं रखे होते हैं। द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा विजबोन आर्म सिस्टम, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम, ये तीनों ही जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। द कॉइल स्प्रिंग इज यूज्ड इन, दोस्तों कॉइल स्प्रिंग किस में यूज होता है? ध्यान रखिएगा कॉइल स्प्रिंग जो है वो चारों ही, अर्थात विजबोन आर्म सिस्टम, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम में ही, चारों में ही, तीनों में ही यूज होते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। स्प्रंग वेट, दोस्तों स्प्रंग वेट क्या होता है? दोस्तों एक स्प्रंग वेट जो होता है वो आपके वेट ऑफ व्हीकल माइनस अनस्प्रंग वेट, जितने भी अनस्प्रंग वेट होते हैं उनको हटा यदि माइनस कर दिया जाए तो वो जो बचता है वो आपका स्प्रंग वेट होता है। वाइल इन मोशन द व्हीकल सस्पेंशन इज सब्जेक्टेड टू, तो व्हीकल का जो सस्पेंशन है वो बाउंसिंग पिचिंग रोलिंग तीनों के लिए ही लगाया जाता है ताकि तीनों में ही अच्छे से वर्क करें। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोल एंड पिच इज कॉल्ड, तो दोस्तों कॉम्बिनेशन रोल और पिच का क्या कहलाता है? तो दोस्तों डायगोनल पिच जो है वो आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है रोल और पिच का। तो दोस्तों सस्पेंशन से रिलेटेड मैंने
ये जो है गूगल से करके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है आपके एनसीएल के एग्ज़ाम में आएंगे और इससे बाहर के मुश्किल ही है पूछेगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं, हमने एनसीएल के अच्छे अच्छे कवर कर लिए इस वीडियो में। तो अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि हम जल्दी ही कुछ दिनों में ही अपनी एनसीएल की सारे सिलेबस कवर कर लेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।